ओम नमः शिवाय। ऐसे पति पत्नी जो जिनका विवाह भी हो गया है उसके बाद भी उन्हें लगता है कि उनके बीच में बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, चाहे उनका पति हो चाहे उनकी पत्नी हो, उन्हें लगता है कि हम दोनों के बीच में बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। वे पति पत्नी अपने प्यार को मजबूत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्रेम हो। ऐसे पति पत्नी के लिए ये सरल वशीकरण बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इस वशीकरण को करना बहुत ही आसान है। यदि जो भी पति पत्नी अपने पति से प्रेम करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि उनके पति उन्हें बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते हैं, तो वे पत्नी इस वशीकरण के प्रयोग से अपने पति के प्यार को बहुत ही आसानी से पा सकती है। जैसे कि हम सभी विधियों में बताते हैं कि जो साधक साथ भी हमारे द्वारा बताई हुई सभी विधियों का प्रयोग करते हैं, मंत्र साधना तंत्र मंत्र से वशीकरण, जो भी हमारे द्वारा बताई हुई वशीकरण का प्रयोग करते हैं या विधियों का प्रयोग करते हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी साधक साथ भी हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत ही जल्द आप जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी साधक साधियों को हमारी किसी भी विधि का, किसी भी वशीकरण का, किसी भी तंत्र मंत्र विद्या का वीडियो या नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। यदि आप सर्च भी करेंगे उसके बाद भी आपको हमारे द्वारा बताई हुई विधियों की वीडियो प्राप्त नहीं होगी। यदि आप हमारे द्वारा ऐसे ही सरल और शक्तिशाली वशीकरण को पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अपने कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं, तो वे सभी साधक साध्वी हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप आल को भी जरूर सेलेक्ट करें, जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। और यदि जिन भी साधक साध्वियों को इस वशीकरण की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो, उन सभी साधक साध्वियों को इस वशीकरण विधि को जरूर शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साथियों का भला हो सकता है। और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर आप डीएम करें या आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। जो भी पति पत्नी अपने पति के प्यार को पाना चाहते हैं, केवल और केवल महिला इस वशीकरण विधि को करें। आपने करना क्या है, आपने 11 गोमती चक्र लेने हैं। ये गोमती चक्र आपके घर के नज़दीक जहाँ से पूजा सामग्री मिलती है वहाँ से आप इन गोमती चक्र को आप बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें गोमती चक्र नहीं पता है, तो हम आपको गोमती चक्र दिखा रहे हैं। ये आपने पूजा की दुकान पर जाकर 11 गोमती चक्र लेकर आने हैं और आपको चाहिए इसमें आप जो आप सिंदूर प्रयोग करते हैं उस सिंदूर को आपने इस तरह से आप रख लें। और आपने क्या करना है, आपने अपने पति का नाम लेना है और आपने अपनी अनामिका उंगली से इस तरह से आप सभी गोमती चक्र पर आप नाम लेते रहें और आप सभी गोमती चक्र पर इस तरह से तिलक करते रहें। ध्यान रहे आपने 11 गोमती चक्र लेने हैं, उन 11 गोमती चक्र पर आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा सिंदूर अपनी अनामिका उंगली से लगाना है। पूरे 11 गोमती चक्र को आपने क्या करना है, इन सभी गोमती चक्र को आप जो आप सिंदूर प्रयोग करते हैं उस सिंदूर की डिब्बी में आप डाल दें। और डालने के बाद आपने इस सिंदूर का प्रयोग करना है। जब भी आप अपनी मांग में सिंदूर लगाते हैं तो आपने इस सिंदूर का ही आपने प्रयोग करना है और इन गोमती चक्र को आपने इसी डिब्बी में रखना है। और उसके बाद आपने ध्यान रहे इसमें से जब तक आपका सिंदूर खत्म नहीं होगा तब तक आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्रेम रहेगा। इस सिंदूर को आपके अलावा कोई प्रयोग ना करे। आपने इस सिंदूर को ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ पर केवल और केवल आपका ही हाथ लगे, आपके अलावा आपके परिवार के किसी भी सदस्य का हाथ ना लगे। इस वशीकरण को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, केवल मासिक धर्म के समय आपने इस वशीकरण विधि को नहीं करना है। तो सभी साधक साध्वी इस वशीकरण विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें या आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।